हेलो दोस्तों, चलिए आज के हम अपने 20 क्वेश्चन से अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हैं। आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 1/3 दिया है, 1/2 दिया, 0.25, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, तो हम इसको डिवाइड कर लीजिएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.3 हो जाएगा, यानी कि 1/3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.33। उसी तरह अगर हम 1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे, 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो गया हमारे पास 0.5, जिसको हम लिख सकते हैं 0.50, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है एक 0.33, फिर आ गया 0.50, और एक हमारे पास वैल्यू दिया है 0.25। तो आपको उसने क्या बोला, बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम में आपको जब लिखना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले छोटी वाली वैल्यू आएगी, फिर से बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे पहले 0.25, टू तो सबसे बड़ा 0.2, उसके बाद क्या हो जाएगा 0.33, फिर 0.55। तो देखिए 0.25 पहले कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 0.25 देखिए दो ऑप्शन में आ रहा है, यानी कि बी और सी में से ही कोई होगा। फिर आ जाइए उसके बाद क्या होगा, ये 0.33, और 0.33 किसका आया है, 1/3 का, यानी कि 1/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम में आरोही क्रम तो आपका छोटे से बड़ा होता है, लेकिन अवरोही जो होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद हम छोटी वैल्यू को लिखते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा 2/3 दिया हुआ है, 2/3 दिया, यानी कि इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो हमारे पास 2/3 की वैल्यू आ गई 0.66 आ चुकी है। अब हम 3/7 की वैल्यू निकालते हैं, 3/7 को डिवाइड कर लीजिए, तो जब हमने 3/7 को इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.42। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो 5/8 दिया है इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5/8 की वैल्यू जब हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास 5/8 की जो वैल्यू आएगी 0.625 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 4/5 एक बचा हुआ है, तो 4/5 की भी हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक, इसको डिवाइड करिए। अब तो जब हमने 4/5 को डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.80, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ लिख लेंगे, यानी कि हमने 2/3 और 3/7, 5/8 और 4/5, ठीक है। अब देखिए 2/3 की हमारे पास वैल्यू होती है 0.66 आई हुई है, 3/7 की वैल्यू आई है 0.42 आई हुई है, फिर हमारे पास 5/8 की वैल्यू है 0.625 है, फिर हमारे पास जो 4/5 है उसकी वैल्यू 0.80 आई हुई है। अब देखिए अवरोही क्रम में पूछा हुआ था, यानी कि अवरोही क्रम सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0.66 है, 0.42 है, 0.625 है, 0.80। तो 0.80 सबसे बड़ी वैल्यू हो गई, यानी कि 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 जिस भी ऑप्शन में पहला होगा वही देख लीजिए पहले, तो 4/5 देखे दिया है, 4/5 एक ही ऑप्शन में पहला दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो 22वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 3/4, 5/16, 7/8 और 1/16 को अवरोही क्रम में लिखना है। इसको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क करने के बाद इसे कमेंट बॉक्स में आप इसे पिन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ तक हमारे आ ही चुके हैं, क्लास को देख चुके हैं, तो आप हमारे क्या करिए, लाइक कर दीजिए, कम से कम एक लाइक तो बनता है, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूरी कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।